शराब घोटाला मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया। रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनने वाली आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी बन गई है जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। लेकिन इसके बाद नंबर सीपीएम का है जिसे भी ईडी आरोपी बना सकती है। वजह है करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक में हुए घोटाला। करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के केरल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कथित प्लॉट और 73 लाख रुपए की बैंक जमा राशि को कुर्क किया गया है। त्रिशूर में सीपीएम नियंत्रित करुवन्नूर सहकारी बैंक में करोड़ों की हेराफेरी के आरोपों की जांच कर रही ईडी की टीम इस मामले में पार्टी को आरोपी बनाने के लिए तैयार है। पिछले महीने ही ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी के रूप में नामित किया था। वहीं सीपीएम ने गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से इनकार किया, साथ ही कहा कि आरोपी बनाने की जांच एजेंसी के किसी भी कदम का डटकर मुकाबला करेंगे। माकपा ने ईडी के आरोपों का खंडन किया और कहा कि वो करोड़ों रुपए के कथित करुवन्नूर बैंक घोटाला से संबंधित मामले में उसे आरोपी बनाने की जांच एजेंसी के किसी भी कदम का कानूनी और राजनीतिक रूप से डटकर मुकाबला करेगी। पार्टी के प्रदेश सचिव MV गोविंदन ने आरोप लगाया कि ईडी राजनीतिक कारणों से विभिन्न मामलों में विपक्षी दलों और उनके नेताओं को आरोपी बनाने का प्रयास कर रही है। ईडी का मानना है कि उसने जो प्लॉट सीज किया वो माकपा के पार्टी ऑफिस के लिए था और उसे ऋणधारकों या करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक द्वारा मंजूर किया गया ऋण के लाभार्थियों से मिली कथित रिश्वत से खरीदा गया था। त्रिशूर मामले में आरोप लगाया गया कि बैंक कर्मचारी द्वारा इस पूरे मामले में करीब 300 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई और इस घोटाले में सत्तारूढ़ सीपीएम के स्थानीय पदाधिकारी शामिल थे। करुवन्नूर और कोऑपरेटिव बैंक में से एक है जिस पर बीते 3 साल से आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है। बैंक ने कई हजार ग्राहकों का पैसा लौटाने से मना कर दिया था और इस घोटाले ने 2021 में राज्य की LDF सरकार को हिलाकर रख दिया। केरल की सरकार मजबूत कोऑपरेटिव बैंक को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रही थी और अब उसी बैंक पर घोटाले का आरोप है। ईडी ने पिछले साल कहा था कि बैंक ने सीपीएम विधायक और पूर्व मंत्री AC मोइदीन के कहने पर बेनामी ऋण बांटे। अगस्त 2023 में ईडी ने त्रिशूर में मोइदीन के घर पर छापा मारा। मोइदीन LDF शासन के दौरान 2016-21 तक स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने त्रिशूर में सीपीएम के जिला सचिव के रूप में कार्य किया था और बैंक में 12,000 जमा करता थे। बैंक द्वारा उनका पैसा वापस लौटाने से मना करने पर कुछ ने आत्महत्या कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।